जय हिंद दोस्तों, आज जो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ ये CAPF के लिए है और जो डिफेंस मेंबर है उनके लिए भी है। आज मैं बताने वाला हूँ जो आप गोल्ड कार्ड जो मिलता है CAPF और DSP जो अकाउंट है डिफेंस सैलरी पे कैसे मिलता है ये कार्ड। जो पहले से तो अपना अकाउंट जो है पहले सैलरी अकाउंट होना चाहिए जो कि CAPF का है आपका CAPSP गोल्ड और आर्मी का है DSP अकाउंट, और जिस जो कैटेगरी में है उसको उसी हिसाब से कार्ड मिलता है। जैसे कि कॉन्स्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक मिलेगा आपको गोल्ड कार्ड, और असिस्टेंट कमांडेंट से लेके डिप्टी कमांडेंट को मिलेगा डायमंड, और 2IC से लेके ऊपर तक मिलेगा आपको प्लेटिनम कार्ड। ये कार्ड आप जो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपना जो ब्रांच होता है कोई भी नियरेस्ट ब्रांच होता है उसमें भी अप्लाई हो जाएगा। आपको अप्लाई करने के लिए सिंपली एक फॉर्म भरना है जो कि बैंक में वो फॉर्म मिलता है आपको, जो आप हाथ से लिख के भी अप्लाई कर सकता है एप्लीकेशन लिख के, नहीं तो आपको बैंक से जो फॉर्म मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म उससे भी आप काम चला सकता है। उसमें लिखना बोलना है ब्रांच में आपको मेरे को CAPSP गोल्ड कार्ड चाहिए वीज़ा का, तो उसी हिसाब से आपको कार्ड अप्लाई करवा देगा। और जो जिसको डायमंड कार्ड चाहिए उसको डायमंड के लिए वैसे अप्लाई करना पड़ेगा डायमंड लिख के, वो उसको डायमंड लिख के अप्लाई करना पड़ेगा। आपको जो भी कार्ड चाहिए मिल जाएगा, लेकिन इसका प्रोसेस ऑनलाइन में नहीं है अभी तक, जब होगा तो आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। अगर आप इस वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको जो गोल्ड कार्ड मिलेगा आपको एक हफ्ता के भीतर बैंक के तरफ से जो भी जहां से बनता है ATM कार्ड वहां से एक हफ्ता बाई पोस्ट आ जाएगा आपका घर में दिया हुआ एड्रेस में आ जाएगा, आपको कोई टेंशन नहीं है। और जिसका अभी तो PMSP या CAPSP अकाउंट नहीं हुआ वो अभी से बना सकता है। आपको बनाने का जो प्रोसेस है उसको मेरा वीडियो में मिल जाएगा आपको। और जो है गोल्ड कार्ड आपको उसमें बेनिफिट मिलेगा, मंथली 50,000 विड्रॉल कर सकता है। और आपके पास दो कार्ड अभी अवेलेबल है पहले से आपका कार्ड अप्लाई नहीं होगा क्योंकि SBI ने दो कार्ड ही आपको ट्रांसफर करेगा, आपका दो कार्ड अप्लाई नहीं होगा। और एक कार्ड अप्लाई करने के लिए एक कार्ड को आप क्लोज करना पड़ेगा तभी आप नया कार्ड अप्लाई कर सकता है। और वो ब्लॉक करने के लिए आपको सिंपली ऑनलाइन भी हो जाता है, कस्टमर केयर के थ्रू भी हो सकता है। एक कार्ड तो आपको ब्लॉक करना ही पड़ेगा नहीं तो क्लोज करना पड़ेगा तभी ये कार्ड आपका अप्लाई हो पाएगा।